भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को भी सबसे बड़ा धर्म बताया है। और जो कर्म और धर्म को साथ लेके चलता है वह सनातनी योद्धा कहलाता है। और आज मैं मौजूद हूँ आईपीएक्स एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में, जहाँ पर एक बहुत बड़ी भागवत कथा का आयोजन करा जा रहा है। और आयोजन करने वाली जो समिति है उसका नाम है तिनका एक सहारा। तिनका एक सहारा के द्वारा एक बहुत बड़ी भागवत कथा का आयोजन करा जा रहा है उत्सव ग्राउंड आईपीएक्स एक्सटेंशन के अंदर, जो मुखारबिन करा जाएगा श्री देवकी नंदन ठाकुर जी द्वारा। देवकी नंदन ठाकुर जी जो ये संकल्प लेके चल रहे हैं कि जैसे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना है, पुनः प्रभु श्री राम वहां विराजमान हुए हैं, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि में वहां पुनः कृष्ण जी विराजमान हो, प्रभु कृष्ण विराजमान हो, उसका संकल्प लेके ये भागवत कथा हो रही है। और ये अब तक की भारत के इतिहास की सबसे बड़ी भागवत कथा होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि इस कथा के अंदर पूरे भारत के सभी प्रमुख संत आने वाले हैं। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा संत समागम होने वाला है, जो ये संकल्प लेंगे कि हमको अयोध्या की तरह मथुरा को भी पुनः वहां पर प्रभु श्री कृष्ण को विराजमान करना है। और आगरा की उस सीढ़ियों से, आगरा की जामा मस्जिद से सीढ़ियों से हमको प्रभु श्री कृष्ण की प्रतिमा को निकालकर पुनः कृष्ण जन्मभूमि में स्थापित करना है। आज यहाँ भूमि पूजन का आयोजन करा जा रहा है। इस तरह आप देखिए कि व्यवस्था के लिए लोग बैठे हुए हैं, सारे जो भी यहाँ के आयोजक या प्रमुख हैं। और इसी प्रकार सामने यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, टेंट लग रहा है, बहुत विशाल टेंट लगने वाला है। और दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी, दिल्ली भी नहीं मैं कहूँगा पूरे भारत की अब तक की सबसे बड़ी ये कथा होने वाली है। और यहाँ पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं, उत्सव ग्राउंड आईपी एक्सटेंशन दिल्ली, और यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आईपी एक्सटेंशन। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोग पहुंचे, क्योंकि जो धर्म कर्म को साथ लेके चलता है वही एक सनातनी योद्धा कहलाता है। अगर आप धर्म और कर्म को साथ लेके चलना चाहते हैं, अगर आप अच्छे सनातनी, एक सच्चे सनातनी बनना चाहते हैं, तो आपको इस कथा के अंदर आपकी आहुति बहुत आवश्यक है। आप अपने परिवार के साथ आइए, जैसे राम जी का मंदिर बना है वैसे कृष्ण जी का मंदिर बने, इस संकल्प में, इस हवन में, इस यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। जय जय श्री कृष्ण।